ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं पेन। तो पेन का जो था आखिरी सेक्शन बाकी था, ठीक है। एंड वी वर टॉक अबाउट मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग पेन, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पेन मैनेजमेंट, ठीक है ना, समवट सेम एज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जब तुम पेन की या किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट के बारे में बात करते हो, राइट। सो यू आर गोना टॉक अबाउट इट फ्रॉम बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। यू आर गोना टॉक अबाउट इट फ्रॉम अ थेरेप्यूटिक पर्सपेक्टिव, जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, राइट। एंड यू आर ऑल्सो गोना स्टडी इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, विच इज़ ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स, राइट। सो थिंक ऑफ इट एज अ ट्रीटमेंट सेक्शन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट पेन, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आर देर एनी मेथड्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना लुक एट मेडिकल टेक्निक्स, राइट। सो मेडिकल टेक्निक्स का नाम क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेडिकेशंस? जहाँ पर मेडिकल टेक्निक्स का लफ्ज आता है, दैट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑल द मेडिकल रेमेडीज अवेलेबल अदर देन मेडिकेशन, एज इन सर्जरी या जो फिजिकल थेरेपी होती है, राइट। ये सब मेडिकल टेक्निक्स के अंदर आती हैं। सो देयर्स टू वेज टू सॉल्व पेन। या तो तुम सर्जरी करवा लो, फॉर एग्जाम्पल जो अपने नर्व्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो पेन जो महसूस करवा रहे हैं उनको काट दो, सो यू डोंट फील पेन एनी मोर, एज एन एक जगह को कम्प्लीटली वो सुन कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आपको कमर की नस काट देंगे ताकि आपकी कमर सुन हो जाए और आपको दर्द महसूस ना हो। सो इट्स यूजली यूज फॉर एक्सट्रीम केसेस, राइट। इट्स यूज फॉर केसेस जहाँ पे होप नहीं होगा। इट्स यूज फॉर केसेस जहाँ पे क्रॉनिक पेन होता है, लाइक लॉन्ग टर्म इलनेस, कैंसर वगैरह, या किसी का ऑर्गन फेल हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा दर्द में, तो उसकी वो थोड़ा नसें काट देते हैं ताकि वो पेन महसूस ना कर पाए। उसके अलावा देर आर अदर टेक्निक्स सच एज फिजिकल थेरेपीज। तुमने देखा होगा कि यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्फ़ का पूरा बाथटब बड़ा होता भरा होता है, उसके अंदर बैठ जाते हैं, राइट, टू रिलीव देयर पेन। या कोई अपने दर्द की जगह बर्फ़ लगा रहा होता है फॉर, ठीक है ना। सो दीज आर आइस पैक टेक्निक्स। कुछ लोग बाकायदा गर्म तौलिया लगा के सेकते भी हैं, राइट। सो दीज आर हीट ट्रीटमेंट्स एज वेल। उसके अलावा मसाजिस से, मालिश वगैरह से भी हो सकता है कि आपका दर्द वगैरह सही हो। सो दीज आर टेक्निक्स, ठीक है ना, विच आर मेडिकल इन नेचर। सो लेट्स टॉक अबाउट दम, ठीक है ना। तो होता क्या है कि दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, भले तुम मसाज के लिए जा रहे हो, भले तुम सर्जरी के लिए जा रहे हो, दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सो नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इट, सो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ऑल्सो वेन यू टॉक अबाउट सर्जरी, सर्जरीज के अंदर ज़्यादातर चांसेस होती हैं कि इट्स एक्सट्रीमली रिस्की, सो हो सकता है कि यू माइट एक्सपीरियंस अदर साइड इफेक्ट्स या समथिंग कैन गो रॉन्ग। एंड वन यू टॉक अबाउट सर्जिकल टेक्निक, जहाँ पर आपकी नसें काटते हैं तो दर्द तो महसूस नहीं होता, बट यू लूज अदर सेंसेशंस एज वेल। वहाँ पर टेम्परेचर, टच भी महसूस नहीं होता है, जो वो कम्प्लीटली लाकर सुन जाता है। सो इट कुड डैमेज अदर फंक्शंस। या सो दीज मेडिकल टेक्निक्स ओनली फिक्स अ पर्सन या फिक्स द पेन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल या फिजिकल लेवल, राइट। सो दे यू नॉट टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ओवर हियर। नॉट टेकिंग टू कंसिडरेशन बंदा पेन के बारे में किस तरह सोचता है। ओनली मेडिकल नेचर, हेंस इज रिडक्शनिस्ट। द थेरेपीज, सॉरी, जो ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स या थेरेपी वगैरह, इज अ डिटर्मिस्टिक या फ्री विल? वेल, सर्जरी के अंदर यू डोंट हैव एनी एक्टिव रोल टू प्ले, राइट। इज द सर्जरी दैट्स गोइंग टू डू ऑल दिस मैजिक? तो सर्जरी इज गोना बी डिटरमिनिस्टिक, सेम विद फिजिकल थेरेपीज। एज इन जब तुम बर्फ लगा रहोगे, सो इट्स द बर्फ दैट इज डूइंग द मैजिक। यू डोंट हैव एनी एक्टिव रोल इन एलिमिनेटिंग योर पेन पर से, सो इट्स ऑल्सो गोना बी डिटरमिनिस्टिक। बट दीज आर गोना बी ऑब्जेक्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स, क्योंकि मेडिकल मेडिकल इज कंसिडर साइंटिफिक, सो इट्स गोना बी साइंटिफिक इन नेचर, ऑब्जेक्टिव इन नेचर। एट द एंड, इज इट नेचर वर्सेज नर्चर? वेल, इट इज नेचर, क्योंकि तुम यहाँ पे जो हो, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग यू, बट यू आर वर्किंग ऑन द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट विच इज नेचर, सो इट्स गोना बी नेचर इन दैट रिगार्ड। इज इट गोना बी इंडिविजुअल सिचुएशन? वेल,
इज गोना बी क्या कहते हैं इंडिविजुअल इन द सेंस कि यू आर वर्किंग ऑन अ पर्सनस बायोलॉजी सो इट्स इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर यू आर नॉट चेंजिंग द पर्सनस सिचुएशन राइट यू आर जस्ट चेंजिंग द पर्सनस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट सो इट्स गोना बी इंडिविजुअल सो अपार्ट फ्रॉम दीस टेक्निक्स उसके अलावा यू हैव मेडिकेशंस सो मेडिकेशंस के अंदर हमेशा ये रखना बायोकेमिकल का नाम आएगा सो दीस आर द सेकंड मेडिकल टेक्निक्स दैट यू आर गोना टॉक अबाउट इसके अंदर तुम्हें क्या करना है यू जस्ट हैव टू नो के वी यूज पेन किलर्स नोन एज एनल्जीसिक्स एनल्जीसिक्स का मतलब होता है पेन किलर्स राइट सो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एनल्जीसिक्स यू नीड टू रिमेंबर दीस एनल्जीसिक नेम्स एंड एनल्जीसिक के नेम के साथ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि वो पेन को किस तरह रिड्यूस करते हैं सो देयर फोर कॉमन पेन किलर्स दे आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट ठीक है वंस द पेरिफेरी एक्टिव एनर्जेटिक व्हाट डज इज वो स्वेलिंग वगैरह कम कर देता है राइट सो इसकी क्लासिक एग्जांपल इज ब्रूफेन जो हम लेते हैं फीवर के दौरान स्वेलिंग वगैरह कम करने के लिए या दर्द के दौरान लेकिन इससे होता क्या है कि साइड इफेक्ट ये है कि इससे पेट की एसिडिटी वगैरह बढ़ा देता है ठीक है देन देयर इज सेंट्रल acting analgesic which is going to directly act on your nervous system jo periphery wagaira hota hai na it doesn't act on your nervous system it acts on the limbs ya site of the pain ya us jagah pe central acting analgesics act on your nervous system so it's very strong theek hai example of this is morphine for example jo fauch ke andar bomb blast ho jata hai aur kisi ki tang wahi pe kat jati hai so there is tremendous amount of pain to shock mein chale jate hain right to उसको फौरन मॉर्फिन का इंजेक्शन देता हो ताकि वो दर्द महसूस ना कर पाए लेकिन होता क्या है कि इट्स वेरी एडिक्टिव सो दैट कुड बी अ साइड इफेक्ट ठीक है ना सो देयर इज आल्सो लोकल एक्टिंग एनाल्जेसिक्स के अंदर क्या होता है कि इट्स ओनली एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी राइट एंड इज नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी राइट सो इट्स लाइक central acting analgesics but it's not gonna shut down your entire nervous system is only going to shut down the nervous system of that particular area right so it does reduce pain us ilake mein and it can be also can be addictive as well then there's other medication jo pain to kam nahi karte aap kisi aur purposes ke liye lete hain lekin wo saath saath pain bhi kam kar dete hain so just antidepressants theek hai na ya एंटी एंगजाइटी के अंदर आप थोड़ा बहुत ड्राउजी महसूस करते हो राइट एंटी डिप्रेशन के अंदर भी ठीक है ना सो इट काइंड ऑफ लाइक सेडेट्स यू दैट्स व्हाई यू डोंट फील पेन ठीक है ना सो दीज आर फोर मेडिकेशन दैट कैन हेल्प यू टू क्या कहते हैं एलिमिनेट योर पेन ठीक है तो उसके अलावा द साइड इफेक्ट्स इज के बेसिकली एडिक्शन हो सकता है देर आर अदर साइड इफेक्ट्स जो मैं साइड पर लिखे हुए हैं It is also deterministic because the person does not have an active role. Dawai ka pura kamal hota hai. Individual situation is individual. You're changing the person's biology, not the situation. It is fast acting. It is cost effective as compared to surgery. It does have side effects, right? Is it nature nurtures nature because it's acting on a person's biology again? You're not teaching them some other behavior. And it's going to be objective in that regard. So basically, CIE expects you to learn these. कि एनर्जेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं टू अचीव रिलीफ फ्रॉम पेन ठीक है ना दिस कैन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर यू फील पेन जो पेरिफेरी नर्वस सिस्टम होता है राइट उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रूफेन वगैरह जो होता है वो इन्फ्लेमेशन के हिसाब से भी इस्तेमाल हो सकता है राइट सो यू कैन जस्ट राइट दिस और यू कैन राइट अदर टाइप ऑफ मेडिकेशंस एज वेल ठीक है ना सो मेडिकल टेक्निक्स के अंदर देयर टू ऑफ देम right medical technique and you have the surgery aspect and these so medical technique it you can write this one or you can write the medication it doesn't matter but ye dono medical techniques ke andar count hoti hain all right so apart from that now you have psychological techniques jahan pe psychological techniques ka naam aayega please understand ki wo therapies ki baat kar rahe hain right jahan pe bhi psychological techniques ka naam aata hai so are there any therapies that can help you relieve pain If there are how many? So तो तुम्हारे सिलेबस के अंदर दैट इज कितने एक दो तीन चार थेरेपीज हैं सॉरी तीन थेरेपीज हैं राइट एंड ऑल ऑफ देम कम अंडर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बट प्लीज रिमेंबर कि ये जो मेडिकल टेक्निक्स के अंदर हमने दो चीज़ें इकट्ठा की हैं ये सर्जरी वाली एंड दवाई वाली ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के अंदर इकट्ठे नहीं होंगी अटेंशन डाइवर्जन अलग आएगा कॉग्निटिव डाइवर्जन अलग आएगा एंड नॉन पेन इमेजिंग अलग जाएगा सो इन दिस चैप्टर यू हैव फोर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इन
साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, राइट। तो तुम्हें बेसिकली इन तीनों को अलग तरीके से समझना पड़ेगा, राइट, बिकॉज दीज थ्री आर नॉट द सेम थेरेपीज। सो या कॉग्निटिव रीडेफिनेशन इज बेसिकली सबसे पहले होता क्या है कि इसके अंदर थेरेपी करवाते हैं, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न ऑफ योर पेन, राइट, हाउ यू थिंक अबाउट पेन, दैट इज दे हैव टू चेंज इट। सो बेसिकली इफ यू फील negative things about pain as if this is going to like hurt forever, this is the worst pain I ever felt, anything that you are thinking about the pain, right, they're going to try to change your thinking pattern about the pain. So for example, if you say you know what, this is the mujhe hamesha dard mehsoos hota rahega, you know what, they can replace your thought by saying that you know what, ye dard us waqt tak mehsoos hoga jab tak you don't fix the problem, right? So when you say this, you redefine the situation, you redefine the pain as something that is temporary rather than permanent. So you change what they feel about, think about pain, right? So what it does, it lessens your intensity about the pain. For example, I cannot do anything about the pain, you're gonna think this, so they're gonna change the, convert it into saying, okay, I can do something to relieve the pain, right, even though it may not go away completely, but I can do something to make it better. So when you think that, you're gonna do, you automatically feel the intensity of the pain to go low. So basically it's you take the positives, right, reframe, have positive thoughts about the pain rather than focus on the negative. So that's cognitive redefinition. Attention diversion, right, is, it is what it is. Okay, these are therapies that is designed to distract you from your pain, right. इसके अंदर थेरेपिस्ट क्या करता है कि दे माइट गेट योर फोकस समथिंग दैट यू लाइक एंड दीज आर टेक्निक्स दैट यू आर गोना लर्न इनसाइड थेरेपी सो यू कैन प्रैक्टिस इन योर हाउस एज वेल, ठीक है ना। सो इट कैन बी एनी हॉबी, इट कैन बी एनी मेमोरी, इट कैन बी एनी वीडियो गेम, इट कैन बी एनीथिंग दैट रिड्यूसेस योर पेन। एंड ये पूरी थेरेपी होती है, इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स नॉट एग्जैक्टली सिंपल एज focusing attention, एक पूरा therapeutic technique होता है, so it's much more क्या कहते हैं impactful, लेकिन idea तो ये कि तुम्हारा attention divert करवाते हैं, इससे क्या होता है तुम्हें pain का महसूस होता है। Then there's imagery as well. Imagery के अंदर होता क्या है, imagery के अंदर they're gonna make you imagine a, पहले सबसे पहले deep breathing करवाते हैं, so you are relaxed, सही है, you need to be relaxed. एक मिनट, I have a question, what is that? Does this muscle relaxation play a role in this? Primarily taur pe nahi, kyunki muscle relaxation is not the primary purpose in imagery, kyunki primary purpose main batata hu kya hoga. Whether you do muscle relaxation, whether you deep breathing, does not matter. At the end of the day, you're supposed to imagine a peaceful place, theek hai na, where you are at peace. If you do deep breathing but not be able to imagine the peaceful place, तो ये थेरेपी फजूल गई। तो इमेजरी इज द प्राइमरी एस्पेक्ट। तो होता है क्या कि द थेरेपिस्ट विल नेरेट व्हाट यू आर सपोज टू इमेजिन, फॉर एग्जांपल दे आर गोना से इमेजिन अ प्लेस वेयर यू आर फ्री ऑफ स्ट्रेस और फ्री ऑफ पेन, देन दे आर गोना से इमेजिन एज इफ यू आर वॉकिंग अराउंड द प्लेस, इमेजिन यू आर टचिंग द ऑब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर यू टचिंग, ऐसे। सो दे आर गोना इमर्स यू इन दैट इमेजरी, दे आर गोना इमर्स यू इन दैट मेंटल सीनरी, राइट। सो बेसिकली दे आर गोना टेक योर माइंड अवे एंड पुट यू इनटू दैट इमेजिनेटिव सीन। So all these techniques, right, are therapeutic in nature, even though they might seem similar, but they're different in some way. So let's talk about them in terms of evaluation. All of these therapies cannot be done, theek hai, apart, agar tumhara consent na hoga, so free will is there, theek hai na, free will has to be there, warna tumse koi cognitive redefinition, imagery वगैरह कोई नहीं करवा सकता जब तक तुम्हारा दिल ना चाहे। Alright, so these was the अभी जो मैंने बताया था, these are the क्या कहते हैं definition of what these therapies are, but तुम्हारे therapy तुम्हारे syllabus के इसकी researches भी हैं, ठीक है ना। तो या क्या कह रहा था The only research in your syllabus is this step-by-step technique to attention diversion, right? So
दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपसे तुम्हारे थेरेपीज के कभी आप पूछे स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है? सो दिस इज थैंकफुली दिस इज द ओनली रिसर्च इन योर सिलेबस, बाकी सबके नॉर्मल डेफिनेशन जिस तरह ये वन वन लाइनर है, राइट? ठीक है, सो अगेन सो क्योंकि टेक्निक्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन है फॉर अटेंशन डाइवर्जन, लेट्स लुक एट इट। सो अटेंशन डाइवर्जन का प्लीज प्राइमरी फोकस याद रखना कि आपका अटेंशन किसी और जगह डाइवर्ट करवाएंगे, राइट? सो इफ इमेजरी डजंट वर्क सो देर गोना मेक यू फोकस ऑन द एनवायरनमेंट, एज इन फोकस ऑन द चेयर, फोकस ऑन द वॉल, फोकस ऑन द साउंड, फोकस ऑन टेम्परेचर, व्हाटएवर इट इज देयर अराउंड योर प्रेजेंट एनवायरनमेंट यू आर सपोज्ड टू फोकस इट, राइट? देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाएंगे, ठीक है ना? देन देर गोना टीच यू समथिंग टू रिपीट टू योरसेल्फ सो दैट you don't feel pain whenever you're feeling pain, theek hai na? So once they do that, for example hamare self coping statement kya hote hain, hum kalma recite karte hain aur ya ayatul kursi recite karte hain. Kisi ke self coping statement would be everything's gonna get better, everything's gonna get better, something that they repeat to themselves to remind themselves ke you know what, things are not that bad. So after you teach them that, hota kya you talk to them about kya kehte hain, how to deal with pain, you get the in-depth discussion of what is pain and how to deal with pain and the rationale of attention diversion, how will this work in the end, theek hai na? So hota kya, so for this to work they need to find out what the patient does on their own, theek hai, just which aggravates pain, theek hai? So they need to identify ke bhai tum khud kya karte ho jiske se dard zyada mehsoos hota hai. They might say, I usually focus on the pain more. I usually go online and Google how to reduce the pain, right? I usually look at people who are pain-free and imagine myself, okay, man, wo insan, whatever they do to intensify their pain, you're going to discuss it with them. And then pain transformation, images, last minute images, yahan pe techniques bhi ho sakti hain, theek hai na? So yahan pe pain transforming ke andar, then you focus on the diversion. So sabse pehle, you before you divert them, sabse pehle ye cheeze hona lazmi hoti hain, right? So yeah, you need to get their distraction away from the pain, number one. Then you need to make them relax, then you need to teach them coping statements, then you need to discuss with them how the therapy is going to work, then you discuss with them what they do actually to increase their pain, what they're doing wrong, and then you're going to teach them what they can do about it in attention diversion, right? So simple step-by-step procedure. अभी तक एग्जाम के अंदर इसका नहीं पूछा, लेकिन पूछ भी सकते हैं. सो ऑल इन ऑल समरी के अंदर यू आर सपोज टू जस्ट गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द थ्री थेरेपीज, अटेंशन डाइवर्जन, नॉन पेन इमेजरी एंड कॉग्निटिव रीडेफिनेशन. सो एज आई सेड कि ये फ्री विल इज नॉट गोना बी कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि थेरेपीज आर एक्सपेंसिव, बट इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट. इज नॉट गोना बी डिटर्मिनिस्टिक, इज नॉट गोना बी रिडक्शनिस्ट बिकॉज इट फोकसेस ऑन थॉट्स, behaviors and imagery, right? Is it nature nurture, you're teaching them something new to do? For example, redefinition kanda, you're teaching them redefinition. Non-imagery kanda, you're teaching them non-imagery. And attention diversion kanda, you're teaching them how to divert their attention. So yeah, you're teaching them something new, so it's nurture. Is it individual situational? Well, it is individual because you're not changing the person's situation, you're changing how the person thinks about the situation or what the person does in that situation. So you're changing their strategy or you're changing their thinking, thought process. Appropriateness ke wale se, because this therapy ke jo techniques hain, you take it home, you learn it, and you can practice it at home. So basically, you'll be able to practice it anywhere where you need it to be. Medical techniques ke liye, you obviously need to be in hospital. For drugs to work, for example, ho sakta hai ke when you take drugs medication, you might feel drowsy and you not be able to work. Ho sakta hai you only take medication when you're at home. But these techniques can be applicable anywhere, right? So it does create flexibility in the patient's lives. And also at the end, the patients become independent because at the end of the day, we want them to stop coming to therapy so that they can help themselves without the help of a therapist. सो ये था. हमेशा याद रखना कि द थिंग इज अगर तुम्हें ना कॉन्टेंट कम मिले, फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें अभी ट्रीटमेंट के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है, कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ,
सिंपल डेफिनेशन में। सो अगर तुम्हें लगे ना समरी के अंदर कंटेंट कम आ रहा है, हमेशा रखना कि फिर पेपर फोर के अंदर इसकी पूरी तुमसे पूरा निकालेंगे जो इसका होता है इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेंट कम है तो तुम इसे इसका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा डिज़ाइन करवाएंगे। सो दे हैव दिस क्वेश्चन डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट वेदर अटेंशन डाइवर्जन इज अफेक्टिव फॉर पेशेंट्स ड्यूरिंग अ पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, सो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट द इफेक्टिवनेस। सो यू वांट टू फाइंड आउट वेदर अटेंशन डाइवर्जन वर्क्स फॉर पेशेंट्स और नॉट। शर्त ये कि पेशेंट हैज़ टू बी अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग अ पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर व्हाइल यू आर डूइंग अटेंशन डाइवर्जन। ठीक है, अच्छा, सो इस गाना भी रिपीटेड मेज डिजाइन। सबसे पहले तुम देखोगे सब पेन पहले कैसे अटेंशन डाइवर्जन के पहले व्हाइल दे आर गोइंग अ पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर, देन वंस यू डू अटेंशन डाइवर्जन देन तुम देखोगे अब इनका पेन किस तरह है आफ्टर दे गो थ्रू अटेंशन डाइवर्जन, एंड इस तरह से तुम्हारी इफेक्टिवनेस पता चलेगी। सो इस गाना भी रिपीटेड मेज डिजाइन। प्लीज सैंपल के अंदर यू आर गोना सेलेक्ट अ पार्टिसिपेंट जिस हु इज अंडरगोइंग अ पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर। तुम सैंपल बताओगे कि दिस पर्सन इज अंडरगोइंग अ पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर एंड यू सपोज टू नेम अ पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर। हो सकता है कि रूट कैनाल की बात करें हम लोग, सिंपल एज दैट, राइट, रूट कैनाल टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, ऐसी चीजें। सो या यू देखो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर यू आर गोना राइट किस बंदे को कौन सा डिसऑर्डर है, हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर यू आर गोना राइट इस पर्सन को कौन सा मेडिकल कंडीशन है, ऑर्गेनाइज्ड साइकोलॉजी के अंदर राइट इस ये बंदा कहाँ पे नौकरी करता है। ठीक है, सो जस्ट प्लेइंग विद द स्पेसिफिक्स। उसके अलावा द क्वेश्चन दैट यू आर गोना आस्क, ठीक है ना, कि अभी दर्द कैसे है वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो तुम पूछ लोगे। इसके अंदर असल कहानी है ना, दैट्स द अटेंशन डाइवर्जन। They're gonna, you're gonna talk to them, you're gonna discuss ki how will I carry out the attention diversion process. Wo yahan se aayega content iska. Theek hai. To jo tum sawal puchoge na, that is also has to be related to some attention diversion, not 100% related to pain. You're not gonna ask him only question that is going to major pain. You're also going to ask you what aspect of attention diversion worked, why did it work, right, will they do it again or not. Theek hai, aise bhi kuch puchoge. So sabse pehle you do this technique, you follow these steps to make him do the attention diversion technique, then uske baad sawal puchogi ki all right, how is your pain now from 0 to 10. Theek hai na, once you ask him, that's going to take care of the effectiveness. Ab attention diversion kahan se aayega, you're then going to ask him how did attention diversion help him. Will he do attention diversion at home, right? Kya kehte hain, what part of attention diversion he preferred. Theek hai, so there are some questions that you need to ask about attention diversion as well. Baaki sab apna standard hai ki tumhare data aayega kaun sa aayega, theek hai na, wo sab cheeze hain, but these are the very specific that you have to go through, right? So that's why you need to learn through a procedure of attention diversion ki kis tarah karte hain. तुमने बस लिख दिया वी आर गोना टू परफॉर्म अटेंशन डाइवर्जन, इसके बाद मैं इससे ये सवाल पूछूंगी, सो दे आर नॉट गोना कंसीडर बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट अटेंशन डाइवर्जन इज इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो या अभी तक किसी को कुछ पूछना है? शरिया पूरा, ओके शरिया क्लियर, ठीक है, ओके मूविंग ऑन। सो थ्री थिंग्स, थ्री टू टेक्निक्स या टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव डिस्कस, साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड द बायोमेडिकल। अब जो तीसरा जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आता है, दीज आर नॉट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, राइट? सो दीज आर आउट ऑफ द वे, राइट? दीज आर थिंग्स दैट यू डोंट नॉर्मली डू बट पीपल डू इट, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंस but they somehow work, but it's very, very subjective. So hypnosis, tense and acupuncture. Hypnosis is when you put a person into a suggestive state, you put them in a trance, right? So wo kisi bhi tarike se ho sakta hai, you don't necessarily have to wave a watch in front of them. You just need to put them in a state jahan pe they will do whatever you tell them to do, right? Suggestive state mein andar dalte ho.
So you suggest to them things that help them relieve their pain, right? So you tell them things to do at their home, so they do it. You tell them things that they should believe about their pain, and they believe it, and the pain goes away. Your intensity kam aati hai, theek hai na? So you give them suggestions so that they can act upon, so that they can improve their pain, right? Tense kya hota? Tense ke andar ek machine hoti hai, and wo machine tumhe current lagati hai. लेकिन करंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, माइल्ड लेवल का करंट होता है. जहाँ पे तुम्हें करंट लग रहा होता है ना, वहाँ पे तुम्हें पेन की रिलीफ मिल रही होती है, राइट? सो बेसिकली होता क्या है कि जब तुम्हें करंट लग रहा होगा ना, तो तुम्हारा जिस्म पेन किलर निकालेगा. मसला यह होता है कि तुम्हें पेन है और तुम्हारा जिस्म जो इतना ज़्यादा पेन किलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिसके से पेन प्रोसेस्ट करती है, राइट? सो होता क्या है कि तुम्हें यू नीड टू फोर्स योर बॉडी टू रिलीज मोर पेन किलर्स. How do you do that? You electrocute yourself thoda bahut so that your body releases more painkillers. So when it releases more painkillers, to jo tumhara original pain hota hai na, wo thoda bahut mehsoos acha mehsoos karta hai. But yahan pe kya hota hai, once you stop the electrocution process, wahan painkiller ka jo level hota hai jism ke andar is gonna drop down again, and then you're gonna start feeling pain again. So us waqt tak aaram mehsoos ho raha hota hai jab tak tumhe current lag raha hota hai. Current nahi lagta, you're gonna feel pain again. So yeah. Acupuncture, you all know that, right? Chinese medications are IVF. You put needles in certain points in your body, right? And when you put needles, again, the idea is ki wahan pe naturally painkiller aana shuru ho jayenge body ke. So let's suppose you have a pain in your hand. Haath ke andar thoda sa mild needle ghusa denge. Needle ghusane ki wajah se the body is gonna feel thoda bahut zyada pain. Jiske base pe painkillers aana shuru ho jayenge in your hand, and just चीज का जो ओरिजिनल दर्द था ना, वो थोड़ा बहुत सही होने लगेगा, ठीक है ना? सो बट दिस वर्क इन चाइनीज मेडिकेशन, राइट? सो बहरहाल, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. हिप्नोसिस डज नॉट वर्क इन एवरीबॉडी. एक आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? यार ये होम्योपैथी नहीं होगी, जो होता है ना कि होम्योपैथी जिसको कहते हैं, होम्योपैथी के अंदर थोड़ा बहुत there is some medical substance involved, right? Is yahan pe koi dawai hai nahi, to that's why you cannot call it homeopathic remedy as well. Ye kis your tech uske andar count hai. Agar tum koi substance dete na so that they can ingest intake, fir homeopathic ke andar count hai. Ye homeopathy bhi nahi hai. So these are in a classification of as totke keh sakte ho tum, जो मंजन वगैरह होता है, ठीक है? तो बैड थिंग अबाउट दीज थ्री ट्रीटमेंट इज दैट इज डज नॉट वर्क ऑन एवरीबॉडी. हिप्नोसिस हर किसी के ऊपर काम नहीं करेगा. हिप्नोसिस ओनली वर्क्स ऑन पीपल, ये बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बट हिप्नोसिस ओनली वर्क्स इन पीपल हु आर वेरी वेरी सजेस्टिव. पीपल हु आर नॉट सजेस्टिव, इट्स नॉट गोना वर्क ऑन देम, राइट? टेंस, एज आई सेड, ट्रांस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज ओनली टेम्पररी. जब आप पेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लगाना बंद कर देते हो, the pain shoots up again. So it's temporary. Acupuncture is subjective. It's not proven by science, right? And hence is the subjective treatment. ठीक है. Number two, it could be culture bias. Acupuncture is practiced Chinese culture. किसी और मुल्क के अंदर नहीं होगा, right? So acupuncture is at least culture bias. और क्या होगा? These techniques, right? Does not have any research evidence, to say subjective taur pe istemal hota hai, right? So these are all subjective, theek hai? And uske alawa, is it kya deterministic? Well, tense is deterministic kyunki current is the thing that's going to heal your pain. You yourself are not playing any active role. Same with acupuncture, needles are going to play the role, you yourself nahi. Hypnosis ke andar you are put in a suggestive state. So, right, so the hypnotist who tells you things, basically he is doing all the work, right? You yourself are just following his orders. So every one of them is a deterministic treatment. You don't have any free will in that. To apni marzi se sahi nahi ho rahe, wo cheez tumhe sahi kar rahi hai. So you don't have any active participation in that thing. And
And for this to work, you need some external stimulation. You need someone to hypnotize you. Yahan pe, you need someone to do this to you. You need someone to do this to you as well. So you cannot do it on your own. So it's not appropriate ki har tum har jagah nahi kar sakte. You need to have a specific person doing this to you, or you need to be in a specific location jahan pe cheeze practice karwaye jaye. So it's not widely available to anyone, and it's not hence appropriate in all the settings. And at the end of the day, the person does not become independent, because the person will keep depending on these treatments to deal with their pain. Bharat. So these are the short summaries that you have to kya kehte hain, write down. Theek hai na? I don't know, yahan pe hypnosis kyun nahi hai, yahan pe bhi hona chahiye. So they do ask definitions. Ke tense ka kya matlab hai? Theek hai na? Uska kya matlab hai? Acupuncture ka, hypnosis ka kya matlab hai? And I guess ke tumhe shayad exam ke andar wo bhi aaye ke, you know, design experiment to find out whether tense works or yeah, nahi. Yeah, they're gonna ask you one similarity, one difference between alternative treatment and psychological treatment. Yeah, alternative treatment versus medical treatments, right? So they're gonna ask you compare and contrast different type of treatments, medical versus psychological, medical versus voila, alternative. Yeah, they're gonna conduct an experiment to find out ke alternative zyada kaam karta hai, medical zyada kaam karta hai. So is tarah they're gonna test you in exams. They're gonna give you a debate question as well. To medical techniques are the only techniques that are gonna treat pain. Other techniques should not be considered. Yes, our other techniques are subjective. So do you agree or yeah, disagree, right? So they're gonna give you questions jahan pe tumhara opinion zyada count hoga, kyunki iske summary to chhoti si hai. So basically इसको to take advantage of these type of things, CIE वाले इसको open-ended subjective questions के तौर पे देते हैं, जहाँ पे तुम अपनी knowledge input करनी पड़ती है. So that's how they play with their content, right? जहाँ पे already चीज़ें ज़्यादा याद करने को हैं, I don't think कि वहाँ पे ज़्यादा subjective questions आएंगे. They're gonna give you summary evaluations के ज़्यादातर. ठीक है, but that takes care of our chapter of pain. ठीक है. You guys have any questions about pain? जो शुरू में पढ़ा था या अभी पढ़ा? All right, so I'm gonna start a new chapter, stress. अच्छा, but I'm gonna restart the meeting क्योंकि time थोड़ा खत्म होने वाला, so I'll be right back.